Here is the question. Ammonium perchlorate NH4Cl04 used in the solid fuel in the booster rockets on the space shuttle is prepared from sodium perchlorate, which is produced commercially by the electrolysis of a hot state solution of sodium chloride. How many Faradays are required to produce 1 kilogram of sodium perchlorate? कुछ नहीं है, लेंथी लाइंस दिख रही है इसलिए कंफ्यूजन हो रहा होगा। सिंपल सा ये बोला है कि आपने हॉट NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया, हॉट NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया, उस NaCl से क्या बनाया आपने NaO, NaClO4 मतलब कि सोडियम परक्लोरेट। इस सोडियम परक्लोरेट से आपने फर्दर क्या बनाया अमोनियम परक्लोरेट, और इसका किसके यूज करते हो, इसका रॉकेट फ्यूल के अंदर यूज करते हो। क्लियर है, हमें इनसे कोई मतलब नहीं, हमें तो लास्ट वाली लाइन से मतलब है कि हमें क्या बोला है कि हाउ मेनी फेराडेज are required to produce 1 किलोग्राम ऑफ सोडियम परक्लोरेट। तो सोडियम परक्लोरेट का 1 किलोग्राम अगर प्रोड्यूस करना है तो कितने फेराडे आपको चार्ज चाहिए, आपको सिंपल सा वो बताना है। तो सोडियम परक्लोरेट किससे बनता था, NaCl से बनता था। तो मैं लिखता हूं रिएक्शन कि मेरा जो NaCl है वो वाटर की प्रेजेंस में इसका जब इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, ठीक है, वाटर की प्रेजेंस में NaCl का जब हॉट स्टेट NaCl बोलना उसका जब इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तो क्या बनेगा सोडियम परक्लोरेट along with हाइड्रोजन गैस। नाउ मेन चीज क्या है, रिएक्शन को बैलेंस करनी है हमको। अगर हमने रिएक्शन बैलेंस कर ली तो हमसे ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखो बात कर लेते हैं, सोडियम 1 है, ठीक है, क्लोरीन भी 1 है, ऑक्सीजन कितने हैं 4 है, यहाँ पर 1 है तो यहाँ 4 कर दो, हाइड्रोजन कितने 8 है तो यहाँ पर 4 कर दो। क्या रिएक्शन बैलेंस है। रिएक्शन बैलेंस होने के बाद अब समझने की कोशिश करना, यहाँ पर NaCl का 1 मोल से 1 मोल NaCl से 1 मोल NaClO4 मिला, ठीक है। 1 मोल NaClO4 का वेट कितना होता है, जिसका वेट होता है 122.5 ग्राम पर मोल, इतना इसका मोलकुलर वेट है, ठीक है। अब समझना 1 मोल से 1 मोल मिला है, ठीक है। अब देखो यहां पर Na पे कितना चार्ज है, Na पे +1 चार्ज है, Cl पे कितना है -1 चार्ज है, हाइड्रोजन पे कितना है +1 रहेगा, ऑक्सीजन में कितना होगा -2 होगा, ठीक है। इंडिविजुअल चार्ज इनका देख लेना। यहां पर Na पे अगर चार्ज मैं कंसीडर करता हूं तो कितना आएगा +1 आएगा, ठीक है, क्योंकि ये किस तरह से ब्रेकआउट होगा NaClO4, ये इस तरह से ब्रेकआउट होगा Na प्लस ClO4 माइनस, ठीक है। तो चेक कर लेना Na पे कितना आएगा +1 चार्ज आएगा, क्लोरीन पे कितना आएगा, क्लोरीन पे आएगा +7, और ऑक्सीजन पे कितना आएगा, इस पे आएगा -2, और हाइड्रोजन पे कितना होगा +1 होगा। इंडिविजुअल चार्ज इन सबके, ठीक है। ध्यान से देखो किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुई है, सिर्फ और सिर्फ क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 से किस में गई है +7 में गई है। देखो ध्यान से क्लोरीन के अलावा किसी की भी ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर चेंज नहीं हुई है। अब समझने की कोशिश करना, क्लोरीन -1 से जब +7 में जा रहा है, बताओ इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा। वेट यहां पर NaClO4 है ना, ये हो जाएगा x +-8 -1 +7। यस यस सही, एकदम सही है। हाँ बताओ क्लोरीन -1 से +7 में गया, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का लॉस, कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, तो देखो -1 से पहले तो किसमें जाएगा 0 में, 1 इलेक्ट्रॉन तो यहां गया, और 0 से +7 कितने हो गए 7, तो टोटल कितने हो गए 8 इलेक्ट्रॉन का क्या क्या है यहां से Cl- ने लॉस किया है, तब जाके क्या फॉर्म हुआ NaClO4 फॉर्म हुआ है। समझना 1 मोल NaCl से 1 मोल NaClO4 फॉर्म हो रहा है, तो बताओ 1 मोल NaCl से 1 मोल NaCl ने कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, 1 मोल NaCl ने 8 मोल इलेक्ट्रॉन का क्या क्या है लॉस किया है, तब जाके क्या बना है NaClO4 बना है। सही है, तो रिएक्शन को पढ़ने की कोशिश करना कि जब अच्छा 1 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर 1 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है 1 फेराडे, तो 8 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा 8 फेराडे। तो जब 8 फेराडे चार्ज पास किया तो 1 मोल क्या मिला सोडियम परक्लोरेट मिला। इट मींस मैं बोल सकता हूं कि जब 8 फेराडे चार्ज पास किया तो 122.5 ग्राम क्या मिला मुझे सोडियम परक्लोरेट मिला। तो अगर मुझे 1000 ग्राम 1000 ग्राम अगर सोडियम परक्लोरेट चाहिए तो बताओ मुझे चार्ज कितना पास करना पड़ेगा, तो 8 × 1000 अपॉन कितना देगा 122.5। सिंपल है, इसे आप सॉल्व कर लेना, आपके पास वैल्यू आएगी 65.30 फेराडे। इतना चार्ज क्या करना पड़ेगा आपको पास करना पड़ेगा फॉर प्रोडक्शन ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ सोडियम परक्लोरेट। क्लियर है, देन हियर इज योर आंसर एंड चेक लेना ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट ऑप्शन। चलिए वापस समझते हैं एक बार इस क्वेश्चन को, मैं एक बार और एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझना कि जब NaCl H2O के साथ इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो सोडियम परक्लोरेट प्लस हाइड्रोजन गैस हमें मिलती है, लेकिन समझने की ये जरूरत है कि एक मोल NaCl से एक मोल NaCl4 जब बन रहा है तो इन सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट कंसीडर करो। तो यहाँ पर पता चला कि क्लोरीन -1 से किस में गया है, +7 में गया है। इट मींस क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है। कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है? तो 8 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है, दिख रहा है। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि 1 मोल NaCl को 1 मोल NaClO4 सोडियम परक्लोराइड क्रिएट करने के लिए 8 मोल इलेक्ट्रॉन का लॉस करना पड़ा। मतलब कि जब 8 मोल इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है तब 1 मोल सोडियम परक्लोरेट बना है। 8 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है? तो 8 फेराडे जितना चार्ज होता है। क्यों? क्योंकि 1 मोल इलेक्ट्रॉन के पास 1 फेराडे जितना चार्ज है, तो 8 मोल इलेक्ट्रॉन के पास 8 फेराडे जितना चार्ज होगा। तो जब आपने 8 फेराडे चार्ज पास किया तो 1 मोल सोडियम परक्लोरेट आपका प्रोड्यूस हुआ। इट मींस मैं बोल सकता हूं कि जब 8 फेराडे आपने चार्ज पास किया तब 122.5 ग्राम क्या मिला आपको? सोडियम परक्लोरेट मिला। तो हमें तो यही बताना है कि जब 1000 ग्राम सोडियम हमें परक्लोरेट चाहिए, 1 किलोग्राम सोडियम परक्लोरेट अगर हमें चाहिए तो उसके लिए चार्ज कितना हमें प्रोड्यूस पास करना पड़ेगा। तो बस आपने सॉल्व कर लिया और ये आपके पास आंसर गया। देन हियर इज योर आंसर एंड ऑप्शन बी इज अ करेक्ट ऑप्शन।